तो आज हम बनाएंगे ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। देखो, अगर ये वीडियो ना भी बनाता तो भी आपका काम चल जाता, लेकिन ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ ऊपर बनाना है, नीचे बनाना है, या ग्राफ में निगेटिव क्या लेना है, पॉजिटिव क्या लेना है, इसमें बच्चा कन्फ्यूज़ होता है। इसलिए मैंने सोचा छोटा सा वीडियो बता दूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखो, आपने पिछली वीडियो में ये तो पढ़ा था कि कोई भी पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, उसके सेंटर से आर दूरी पर मान लो पी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो आप पढ़ चुके हो, इसको याद करना था आपको, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ग्राफ बनाने से पहले आपको कन्वेंशन समझना होगा। कन्वेंशन मतलब, कन्वेंशंस का मतलब है हम कुछ कन्वेंशंस मानते हैं उसके बाद ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। जैसे आपको ये तो पता ही होगा कि इस वाली एक्सिस को कहते हैं वाई एक्सिस और इस वाली एक्सिस को कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करती है उसको कहते हैं ओरिजिन, और अगर मैं ओरिजिन से राइट साइड चलूँ तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से लेफ्ट साइड को चलूँ तो इसको कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से ऊपर चलूँ तो इसको कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन से नीचे चलूँ तो इसको कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। मतलब ये कन्वेंशन है जो आपको मानने हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुई मतलब राइट साइड, तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड हुई मतलब इधर, तो इसको हम लेंगे नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है वो मैं समझाता हूँ। देखो, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वाई एक्सिस पर लेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस पर लेंगे हम डिस्टेंस, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड हुई मतलब पॉजिटिव हुई, तो हम ऊपर की तरफ बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, या इस तरफ या इस तरफ, ठीक है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में बनाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड हुई मतलब नेगेटिव हुई, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे बनाएंगे मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस में बनाएंगे। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इन चीज़ों को समझने के बाद ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ सही से बना सकते हो। चलिए बनाते हैं। देखो, कोई भी पॉजिटिव चार्ज लेते हैं हम, मान लो प्लस क्यू चार्ज ले लिया हमने, ये बनाई वाई एक्सिस, ये बनाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस पर लिया डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक बात आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, मतलब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखो, के कॉन्स्टेंट है, क्यू कॉन्स्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ये तो हमें पता चल गया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन ऊपर बनाए या नीचे बनाए ये पता चलेगा डायरेक्शन से। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड है, और राइट साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में बनेगी, मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इस तरफ आते हैं। अब देखो, प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इधर है, मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड को हमने लिया था निगेटिव, ठीक है। और आपको ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, मतलब डिस्टेंस के साथ घटती है, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आई नेगेटिव, तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं घट रही है, और नीचे इसलिए बनाएं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, जिसको हमने नेगेटिव माना था, और नेगेटिव नेगेटिव वाई एक्सिस पर बनती है, ठीक है। उम्मीद है प्लस क्यू का ग्राफ आपको समझ में आया होगा। अब नेगेटिव क्यू का ग्राफ बनाते हैं।
ठीक है, इसको लेते हैं वाई एक्सिस, इसको लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर लेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस पर लेंगे हम डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो निगेटिव क्यों, रेडियली इनवर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कुछ इस तरह से। मान लो ये निगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम यहाँ देखें इस पोर्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निगेटिव होगी क्योंकि लेफ्ट साइड है। और आपको ये तो पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं। तो निगेटिव है तो नीचे से शुरू करेंगे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। ठीक है, चलिए अब इधर बनाते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर रेड राइट साइड होगी। ठीक है, मतलब राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, चलिए अब जब राइट साइड है तो हमने राइट साइड को पॉजिटिव लिया था और आपको ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर पॉजिटिव है तो इस तरह से बनेगी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तो डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। ये दो ग्राफ थे जो आपको समझाने थे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में अपना डाउट लिखिए, मैं उसको पढ़ूंगा फिर उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।